नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के जाखल मंडी में एक मंदिर के पुजारी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के रुपए मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित पुजारी के मुताबिक उसे धमकी देने वाला आरोपी शख्स उसी के गांव का रहने वाला है और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने पीड़ित पुजारी की शिकायत पर आरोपी वीरेंद्र शर्मा नाम के शख्स पर IPC की धारा 384 के तहत केस दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में जाखल मंडी स्थित काली माता मंदिर के पुजारी बलजीत सिंह ने बताया कि जुलानी खेड़ा गांव का रहने वाला हूं और पिछले करीबन 15 से 20 सालों से जाखल मंडी की काली मंदिर का पुजारी का काम कर रहा हूं। मेरे गांव का ही रहने वाला वीरेंद्र शर्मा नाम का एक युवक किसी लड़की के साथ मेरी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के मुझसे पैसे मांग रहा है। पुजारी ने बताया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल न करने और मामले को राजीनामे में डालने के लिए 6.5 लाख रुपए की मांग की है। मेरे हालात इस तरह के नहीं हैं कि मैं ये पैसे चुका पाऊँ। मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये गिरोह मेरे बाद किसी और व्यक्ति को भी इस तरह से फंसा कर परेशान करेगा, इसलिए मैं कानून की शरण में आया हूँ। मैंने इंसाफ की मांग की है, मुझे इंसाफ चाहिए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामले में जाखल थाना के SHO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुजारी की शिकायत पर वीरेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 384 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत में पुजारी ने आरोप लगाया है कि कोई शख्स उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। शर्मा जी, आपके साथ क्या घटना घटित है जो आपने FIR लॉज करवाई है वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ? हाँ जी, मैं काली माता मंदिर में पुजारी पद पर रह रहा हूँ 15-20 साल से जी। वीरेंद्र कुमार जी मेरे गांव का ही लड़का है और आपके सरंजिश के कारण जी उन्होंने मेरे को किसी वीडियो गलत लड़की से वीडियो बनाने के चक्कर में जी उसने मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जी और मेरे से 6.5 लाख रुपये ब्लैकमेल दी के उसने मांगे और ताकि मैंने फिर जी जाके कानून से गुहार लगाई जी, मेरे को इसका न्याय चाहिए। आपको कैसे पता लगा जी ये वीरेंद्र शर्मा है? वीरेंद्र शर्मा जी उन्होंने अनिल कुमार पंड जी है जी जो रोशनलाल वाले धर्मशाला के अंदर रहते हैं उनके पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी या तो बलजीत से मेरा समझौता करवा दिया जाए। मैं 6.5 उसके पास मेरी वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है और उसके माध्यम से जी नहीं तो मैं आपको जाखल से नहीं तो जी यदि वो मेरे साथ 6.5 लाख रुपये नहीं देता है, समझौता नहीं करता है, 6.5 लाख रुपये नहीं देगा तो मैं उसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं तो हरियाणा पे डाल दूंगा, सभी जाखल के ग्रुपों में डाल दूंगा और मैं उसको हरियाणा से नहीं, जाखल से नहीं, पूरे भारत से भी मैं इसको कहीं खाने देने न किसी भी ब्राह्मण के साथ न मैं इसको कोई पूजा पाठ करने दूंगा और न ही मैं इसको किसी भी यजमान के ब्राह्मण के साथ संग में मिलकर काम करने दूंगा। उसने तो इसी प्रकार से उन्होंने मेरे को ये धमकी दी, उसने मैं मजबूर हो गया जी और मैं सुसाइड करने पर आ गया और इसलिए मैंने फिर मैं कानून के पास पहुँचा जो कानून से मैंने ये FIR दर्ज करवाई कि मेरे को इंसाफ दिला जाए ताकि कोई भी गरीब आदमी जी इस ग्रोह के इस कंधे में ना आए और न ही कोई अनजान आदमी इस व्यक्ति इसमें सुसाइड करने। किस प्रकार का वीडियो उन्होंने किस नाम से करने की कोशिश की आपका जो गलत वीडियो बनाने की बात आ रही है? जो उन्होंने गलत वीडियो की थी मैं बाथरूम में नहाने गया था जी और जब मैं नहाने गया था जी उस बाथरूम में अचानक उनकी वीडियो कॉल आई थी और जब वो वीडियो कॉल आई तो मैं टीचर ज्ञान हुआ अंदमन बिल्कुल वो लड़की किसी भी उसके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था और जब मैं उसके वीडियो करने लगा तो मैं घबरा गया। घबराने के बाद जी जब मैंने वो गया कि मैंने वो काटा तो मैंने वो वीडियो काट दी और यानी उन्होंने आपके लड़की के आवाज़ में वीडियो कराकर आपको फंसाया गया उन्होंने? हाँ जी, मेरे को फंसाया गया उनके जाल साथ जी जी फंसाने के चक्कर में वो करने लगे और वो अब वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ आप प्रशासन से पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं जी? सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो इसका गिरोह है उसको गिरोह का पर्दाफाश हो। मैं यही प्रशासन से यही आदर के प्रार्थना करता। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बलजीत शर्मा। जाखल के एक पुजारी का क्या मामला आया सर?
यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने एक वीरेंद्र नाम का कोई है शख्स, उसके अगेंस्ट शिकायत की थी कि वो कोई वीडियो वायरल या कोई ऐसी चीज़ वायरल या कोई ऐसी फ़ोटो वायरल करके और कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो वो हमारे पास शिकायत आई थी, हमने मामला दर्ज उसके बारे में कर लिया एक्सटोर्शन का और कार्रवाई कर रहे हैं। जो जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आई थी तो अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो सर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है सर? मैंने बता दिया आपको, एक्सटोर्शन का 384 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया। तो सर आगामी कार्रवाई क्या होगी सर? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सबूत जुटाएंगे इसमें और जो एक्यूज है उसको अरेस्ट करेंगे।